एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। और सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक यू फॉर रितिका, बिकॉज उन्होंने मुझे मेल किया था कि दी ये मेरा रिव्यू है, फीडबैक है अबाउट योर सेल्फ लव जर्नी की मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, वो बताना चाह रही थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैं आज ना आप लोगों के साथ उनका शेयर करती हूँ, रितिका का। ओके, इस रितिका 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 कंसर्न। ओके, पहले मैं ना उनकी फोटो दिखाती हूँ। बंदी एक नंबर है, शी इज रितिका एंड गॉड ब्लेस यू रितिका, हैप्पी बर्थडे रितिका। ओके, सो आई वोंट बी एबल टू शेयर हर फोटो बिकॉज मैं ना एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा आजकल टाइम नहीं दे रही हूँ, तो इसलिए। अच्छा, चलिए, रितिका का आया था मुझे ये मेल और मैं रिव्यूज फॉर द सेल्फ लव सीरीज। ठीक है, हेलो दी, मेरा 19th बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वेनेसडे, सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। नेक्स्ट वेनेसडे ही है और मैं बहुत दिनों से ग्रैटिट्यूड वॉक और आपकी वीडियोस रोज देख रही, देख के सब प्रैक्टिस कर रही थी और मैंने यूनिवर्स से कहा था मुझे चेंज होना है अपने बर्थडे से पहले, जिससे उस दिन मैं अपनी लाइफ का न्यू स्टेप लूँ टूवर्ड्स अ ब्लेस्ड लाइफ। और फिर उसके बाद आपकी ये सेल्फ लव वाली सीरीज ही आ गई। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, कितनी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मैं अब अपने आप को प्यार करना सीख जाऊंगी। पहले भी करती थी लेकिन ऐसे एक एक चीज, एक एक स्टेप नहीं लिया था उस जर्नी की तरफ। दी, मैंने आज वो सेल्फ रियलाइजेशन वाला किया और मैंने 50 पॉइंट्स लिखे, वो भी खूब बड़े बड़े, और मुझे डेढ़ घंटा ही लगे और अभी लिख के ख़त्म किया मैंने। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सारी चीज़ें समझ आई है आपने मेरे बारे में कि कितने टाइम से मैं गलत कर रही थी अपने साथ। और फिर वो सब जब लिखे मैंने, मैं खूब रोई और अब सच बता रही हूँ मुझे इतना लाइट लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने बॉडी से कोई बोझ हटा दिया, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। सारे प्रॉब्लम्स अपने आप से हुई थे या जो लोगों की वजह से हुआ था, सब लिख डाला और इतना अच्छा लग रहा है मुझे अब। मैं अंदर से खुशी महसूस कर रही हूँ, पहले जो चीज़ें मुझे परेशान करती थी कुछ भी काम करने से, अब वो मन में भी नहीं आ रही है, जबकि अभी तो एक घंटा भी नहीं हुआ। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ अंदर से कितनी खुशी हो रही है आज, मुझे सिर्फ रियलाइज करके ही एकदम इतना रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड यू हैव एज अ कोच फॉर मी। आई लव यू दी एंड आई लव यू यूनिवर्स, आई ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच रितिका, आई ब्लेस यू द सेम। सो अभी ना मैं आपको आज का चौथा दिन बताने वाली हूँ, चौथा दिन बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको गुजारना है। अब देखो, आपने सेल्फ रियलाइज कर लिया जैसे रितिका ने बताया, डेफिनेटली आपको भी लाइट फील हो रहा होगा। बहुत बड़ा बोझ मन से उतर जाता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो। सेकेंड चीज़, आपने अपने आप को माफ़ कर दिया, क्योंकि हम जो होते हैं ना, बीके शिवानी जी कहती हैं हम हैं देने वाली आत्मा, मतलब हम फॉरगिवनेस देते हैं, हमारी जो आत्मा है वो फॉरगिवनेस देती है, तो हम होते हैं देने वाली आत्मा। तो ऑब्वियसली आपने अपने आप को फॉरगिव कर दिया, आपने अपने आप को प्यार देना शुरू किया। जब आप माफ़ कर देते हो तो डेफिनेटली वो एक प्यार की जो ज्योति है वो जलने लगती है आपके अंदर से, एंड यू स्टार्ट स्प्रेडिंग लव। थर्ड, कल जो मैंने कहा था कि अपने आप को शीशे में देखो और जो जो पसंद आए ना उसको अप्रिशिएट करो। आज मैं आपको बताती हूँ ये जो मिरर वर्क है ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मिरर वर्क बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप समझ नहीं सकते हो कि इस रिफ्लेक्शन मेथड में इतना ज़्यादा पावर है कि आपकी सारी बोलते हैं ना, जितनी भी धूल है वो सब हट जाएंगी और एकदम से आप में एक चमक आ जाएंगी, आप हीरे की तरह चमकने लगोगे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यों करना है मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो आपका बड़ा क्यों सवाल करता है, अरे ये क्यों वो क्यों, तो आज मैं उसको क्यों का जवाब देती हूँ। देखो सबकॉन्शियस माइंड, सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप हो कौन, है ना, आप
आप जो हो वो हो परमात्मा से आई हुई आत्मा, मतलब आप परमात्मा के बच्चे हो, मतलब आपके अंदर, अगर साइंस लैंग्वेज में कहा जाए, आपके अंदर भगवान के डीएनए है, आप उनके बच्चे हो। जैसे मान लीजिए अगर राया मेरी बेटी है, अगर क्या मेरी है बेटी यार राया मेरी बच्ची है, मेरी बेटी, तो उसमें मेरे डीएनए पाए जाएंगे। अब मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और शिवेन का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब राया होने की थी, हमें लगता था कि यार, मतलब हमने नाम तक नहीं सोचा था कि राया नाम रखना है, हमारा नाम था कि बेबी बू, जो भी होगा, लड़का हो लड़की हो, वी आर हैप्पी विद दैट। अब ऐसा हुआ, जब वो हुई, और जब हुई तो वो बोलते हैं ना, आपको रियलाइज होता है कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया अपने पार्टनर को ये बोलने में कि तुम मेरा पहला प्यार हो भाई, या तुम मेरे प्यार हो, जो भी हो, है ना, दैट आई लव यू। एक्चुअली वो जो मीनिंग होता है ना प्यार का, जब आपके गोद में वो बच्चा आता है, तब आपको रियलाइज होता है, ओ माई गॉड, शी इज माई लव, है ना। और शिवेन ने तो लिटरली मेरे मुंह पे बोला कि मैं आज तक, मतलब मुझे लगता था कि आई लव यू, है ना, मुझे लगता था तुम मेरी, मतलब मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो एंड एवरीथिंग, बट टुडे आई रियलाइज कि तुम नहीं हो, ये है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट योर चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते अपने पार्टनर से, लेकिन जब वो बच्चा आपकी गोद में आता है ना, आपको वो जो, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, वो जो फीलिंग, ओके, वो जो फीलिंग आपके अंदर से आती है, आई, मतलब अभी भी अगर मैं वो सोचती हूँ तो मुझे इतना सुकून महसूस होता है। जब राया मेरी गोद में आई थी, आई एम लाइक, ओ माय गॉड, दिस चाइल्ड मीन्स वर्ल्ड टू मी, लाइक शी इज एवरीथिंग टू मी नाउ। इट्स लाइक, मतलब मुझे वो रायन का एक है हॉलीवुड एक्टर, उसने ये चीज़ कहा था और मैं सच में उससे अब रिलेट करती हूँ। पहले तो मुझे हंसी आती थी कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, बट मुझे अब रिलेट होता है कि रायन ने कहा था कि जब मेरी बीवी से मेरी शादी हुई थी, तो मैं उससे कहता था कि मैं तुम्हारे लिए ना अपनी जान दे सकता हूँ, और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने उससे कही कि अब इसको बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल सकता हूँ। सो इट्स लाइक एवरीथिंग, योर चाइल्ड मीन्स एवरीथिंग टू यू, है ना, वो होता है प्यार। अब मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और जब आप इस्लाम में ये चीज़ है, हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता था, आप, मतलब हर रिलीजन में ये बात सिखाई जाती है कि जो आपसे ऊपर है, जो आपका हायर सेल्फ है, जो आपके अल्लाह ताला है कहते हैं हम लोग, तो जब अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उनकी मोहब्बत, एक माँ की मोहब्बत से अगर 70 गुना आप मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मोहब्बत उनकी और आपके बीच में होती है। तो आप जो हो वो परमात्मा के बच्चे हो, ये पहले रियलाइज कर लो। सेकेंड चीज़ ये रियलाइज करो कि अगर आप, मैं अपने बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी बच्ची को बोले, या मतलब मैं शिवेन के बारे में भी सब कुछ सुन सकती हूँ, ठीक है, ही विल हैंडल इट, आई डोंट केयर, दैट्स काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैव गेन नाउ। लेकिन अगर कोई राया के बारे में कुछ कहता है, मतलब उसका नाम भी अगर कोई गलत लेता है ना, तो मुझे लगता है कुछ तो गलत किया भाई तुमने। तो ये जो होता है ना, वो माँ वाला पन जो आता है, वो जो बापता आती है, वो जो ममता आती है आपके अंदर, वो मान लो अभी मैं जितना प्यार करती हूँ उससे 70 टाइम्स परमात्मा आपसे प्यार कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चे के बारे में, आप रोज शीशे के सामने जाते हो, आप रोज खड़े होते हो और आ बोलते हैं, यार मेरे ना पिंपल आ गया, यार मेरी बॉडी ना अच्छी नहीं है, यार बाल ना बहुत झड़ रहे, बहुत बेकार हूँ मैं तो बिल्कुल, मतलब एवरी टाइम यू थिंक, क्रिटिसाइज योर सेल्फ, है ना, हम लोग कहते हैं यार देखो वो कितनी अच्छी है, मैं देखो मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं हूँ, एंड यू स्टार्ट टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, है ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है इस दुनिया में, आप खुद हो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो यार, मतलब आप परमात्मा, आप मंदिर जाते हो, भगवान के सामने खड़े होते हो, पूजा पाठ, आप दुनिया की शिद्दत से आप श्रद्धा दिखा दो उनको, वो कभी खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर सपोज आपने उनके बच्चे पे वो चीज़, वो कृपा कर दी, आपने उसको श्रद्धा से प्यार कर लिया, वो भी खुश हो जाता है।
क्योंकि वो जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसके बच्चे हो। और आप जब जब मिरर के सामने जाते हो आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, आप लोगों के सामने अपना मजाक बनाते हो, आप अपने मन के अंदर भले ही आप मुंह से ना बोलो लेकिन आपके दिमाग में ना एक अलग सी क्रिटिसिज्म चल रही होती है, अरे तुम्हारे पास तो ये नहीं, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। एंड आई थिंक हम लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, तभी हम जब इतना क्रिटिसाइज करते हैं ना तो जब आगे वाला आपको मतलब क्रिटिसाइज करके चला जाता है या आगे वाला आपका मजाक उड़ा के चला जाता है आप उस पर एक्सेप्ट कर लेते। क्यों करते? क्योंकि आपने ये जो दिमाग में बैठा के रखा है ना, मैं तो ऐसी हूँ, और जब आगे वाला वो रिफ्लेक्शन देता है तो आपका कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं आता है, आप स्टैंड ही नहीं लेते हो अपने लिए। ये रीजन होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप शिद्दत से प्यार करते हो ना, उसकी बुराई आप कभी नहीं सुन सकते। उसको अगर कोई बुरा भी बोल देना तो आपको बुरा लगता है। तो नाउ अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस। और अब जब आप जाओ, मतलब मैं ये कहती हूँ मंदिर जाने से पहले ना पहले अपने दर्शन करो और अपने आप को पहले उस श्रद्धा से, उस प्यार की भाव से देखो, उस लव एनर्जी से देखो, एंड देन सी व्हाट मैजिक हैपेंस। एवरी सिंगल डे व्हेन यू वेक अप या जब भी आप मिरर के सामने जाओ, मुस्कुराओ और आप अपने आप से कहो, आप सबसे पहली चीज जो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपके एग्जिस्टेंस पे ग्रेटफुल होना चाहिए, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू आर अलाइव शाहीन, तुम जिंदा हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अपना नाम लो जोर से एंड से दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि यार तुम जिंदा हो, तुम इतना बड़ा करिश्मा हो इस दुनिया के लिए। और तुम अभी तक अपने आप को छुपाए बैठे थे, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, and then see what happens and let me know. So with this note I'll take sign off. Raya bula rahi hai. Chalo bye bye. I'm coming.